नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, ये जीव विज्ञान की चौथी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और दोस्तों ये कोसी का चैप्टर है। क्या है? कोसी का चैप्टर। और दोस्तों ज्यादातर एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुने दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आए तो मत करना, ठीक है दोस्तों? तो शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा कोशी का चैप्टर है। क्या है भाई? कोशिका की। कोशिका क्या है भाई? सबसे पहले बात करते हैं कोशिका क्या है। तो कोशिका शरीर का निर्माण करने वाली और रचना करने वाली जो सबसे सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई है जिससे हमारा शरीर बना, उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। यानी कोशिका से मतलब हो गया ऐसी कणिकाएं जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है, और ये कार्य भी करती हैं और ये सूक्ष्म भी होती हैं, यानी बहुत ही बारीक होती हैं। अगर एक सामान्य कोशिका की बात करें तो 3 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक की होती है। अब बात करते हैं भाई कोशिका, आप भली बात ही समझ गए कि कोशिका है क्या, यानी शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो बहुत सूक्ष्मतम होती है और जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ, उसे क्या बोलते हैं भाई? कोशिका बोलते हैं। अब कोशिका की खोज सबसे पहले भाई रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने करी, और कितने में करी? 1665 में। 1665 में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से वो कोशिकाओं को खोजा 1665 ईस्वी में। और इसका जिक्र उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखें। अब है भाई कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या है? तो वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का हम अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? कोशिका के बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब देखिए बात करते हैं भाई कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, लेकिन कोशिका के प्रकार किसके आधार पर? तो रचना के आधार पर। कोशिका के प्रकार तो कितने प्रकार हैं भाई? कोशिका के 2 प्रकार हैं। पहला हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा हो जाएगा हमारे यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखें, जो अर्ध विकसित होती हैं, यानी एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अर्ध विकसित होती हैं, इनमें केंद्र भी नहीं पाया जाता, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिसे ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं वह नहीं पाया जाता, और इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होता, और श्वसन जो होता है वो प्लाज्मा में होता है, ठीक है? यानी तो वो कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ये अधिकतर किन में पाई जाती हैं? प्राय जीवाणु व नीले हरित शैवालों आदि में पाई जाती हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये अर्ध विकसित होती हैं, यानी पूरी विकसित नहीं होती, ये केंद्र विहीन होती हैं, यानी केंद्र इनमें नहीं होता, इसमें पावर हाउस भी नहीं पाया जाता यानी माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका विभाजन भी इसमें नहीं होता, और श्वसन जो होता है वो प्लाज्मा में होता है, और ये जीवाणु और नीले हरित शैवाल वगैरह में पाई जाती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका पे चलते हैं। तो ये क्या होती है? ये पूरी तरह से विकसित होती है, केंद्र पाया जाता है इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है ऊर्जा का, वह भी पाया जाता है, इसमें विभाजन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया लवक ये पाए जाते हैं, और श्वसन तंत्र जो है पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कोशिकाएं किन किन में पाई जाती हैं? सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी वाली? यूकेरियोटिक कोशिका। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब बात करते हैं भाई, देखिए ये कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके लिए मतलब पढ़ने के बाद काफी, और काफी निष्कर्ष निकालने के बाद आपके लिए लिख के लाया हूँ। ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, तो इन्हें भी आप साथ साथ देख लें। देखिए एक बार और देख लें, यूकेरियोटिक कोशिका विकसित होती है भाई, ये पूर्णतः इसमें केंद्र पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं वो पाया जाता है, इसमें विभाजन होता है, और इसमें लवक भी पाया जाता है, श्वसन तंत्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थित होता है। तो ये क्या है? ये कहाँ पाई जाती है भाई? सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये मैं मानता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई, देख कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? देखिए ये तो प्रकार हो गए भाई, ये आप समझ गए, कोशिका विज्ञान भी समझ गए, कोशिका क्या ये भी आप भली भांति जान गए। अब बात करते हैं सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन और स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा भाई, सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि शरीर का या पेड़ पौधों का निर्माण और रचना करने वाली जो सबसे सूक्ष्म इकाई है उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। यह बात किसने कही, स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने की, यानी ये दोनों वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया। पूछा जाता है दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया, ठीक है। अब बात करते हैं लीवेनहॉक, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, जीवाणु विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, कोशिका का आंतरिक अध्ययन किया, यानी अंदर से कैसी है, कैसी दिखाई देती है, उसकी रचना कैसी है, क्रिया विधि कैसी है, ये सब मतलब लीवेनहॉक ने जो आंतरिक अध्ययन किया, किसका, कोशिका का। अब बात करते हैं भाई मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोई पूछ लेता भाई मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हम ऐसे ही समझते होंगे, लेकिन मानव शरीर की अगर बात करें तो एक सामान्य शरीर में 5 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई, 5 अरब कोशिकाएं। अब आप लगा सकते हो अंदाजा कि कितनी छोटी होगी कोशिका हमारे शरीर में, कितनी छोटी बारीक होगी, यानी इन्हें देखने के लिए हम नग्न आंखों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये कोशिकाएं मिल जाती हैं तो भाई ऊतकों का निर्माण करती हैं, और ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बनाती हैं, और अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कोशिकाएं हमारे शरीर में कितनी पाई जाती हैं, 5 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं लगभग। अब बात करते हैं भाई रॉबर्ट ब्राउन, ये वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन, ज्यादातर पूछा जाता है, जिस प्रकार ये रॉबर्ट हुक पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कभी कभी पूछ लेता कि केंद्र की खोज किसने की, केंद्र की जो खोज की थी भाई वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नाम दोनों का सेम है, यहाँ ब्राउन है लेकिन यहाँ हुक है, ठीक है, तो दोनों सेम है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1831 में क्या की, केंद्र की खोज की, किसने की, केंद्र की खोज की। अब बात करते हैं भाई जीव द्रव्य, देखिए जीव द्रव्य को सबसे पहले समझे कि जीव द्रव्य को जो है मनुष्य का भौतिक आधार कहा जाता है। पूछ लेता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखें जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है, और जीव द्रव्य की जो खोज की थी किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी, किसने की थी, डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन ने खोज की थी। और इसकी अगर नाम की बात करें तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था, यानी अर्थात कहने का मतलब ये है जो जीव द्रव्य नाम है वो पुरकिंजे ने दिया था, जबकि इसकी खोज की अगर बात की जाए तो डुजार्डिन ने खोज की थी। अब बात करते हैं भाई पैलेड, ये पैलेड जो है ये वैज्ञानिक है भाई, इन्होंने क्या किया था, पैलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम नाम की खोज की। राइबोसोम जी हमारे शरीर में पाए जाने वाले कोशिका से रिलेटेड एक प्रकार के मतलब कोशिकाएं हैं ये, तो इनकी खोज किसने की थी, पैलेड ने की थी, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कहने का मतलब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला भाई इस खोज के लिए उन्हें। अब देखिए डी डूबे ने जो है लाइसोसोम को भाई आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें, पूछ लेता है ज्यादातर क्वेश्चन आता है ये मोस्टली है कि लाइबोसोम यानी किसे जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी भाई। अब बात करते हैं भाई, देखिए ये बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी भाई। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर, मैं बता चुका हूं लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी कहने का मतलब यह है यहां इसमें ऊर्जा जो एटीपी के रूप में संचित होती है, यानी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का कोशिका पावर हाउस या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए जीन जो शब्द है भाई, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जीन क्या है, जीन तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया ये नाम जीन शब्द, तो ध्यान रखें जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए हैक्सले ने सबसे पहले भाई, हैक्सले वैज्ञानिक हुए हैं जो पर्यावरण विद्वी है ये, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी जो शब्द है वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया, किन्होंने, हैक्सले ने, ठीक है। हैक्सले का भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण में, तो ध्यान रखें हैक्सले ने सबसे पहले इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया, किसने किया सबसे पहले, हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने किया।
तो दोस्तों मैं मानता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा दोबारा। देखिए कोशिका क्या है भाई, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो बहुत सूक्ष्म होती है उसे क्या बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर की रचना हुई है या निर्माण हुआ उसे क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से की, और इन्होंने जो इसका जिक्र सबसे पहले अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है भाई, कोशिका का अध्ययन करने वाला, कोशिका की रचना किस प्रकार है, उसकी कार्यविधि क्या है, उसके बारे में अध्ययन कराने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। रचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्धविकसित होती है, केंद्र नहीं होता, पावर हाउस भी नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होता, इसमें श्वसन जो प्लाज्मा में होता है, तो ये कौन सी कोशिका कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और ये जो जीवाणु में नीले हरित शैवालों यानी सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है कह सकते हैं हम। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, ये विकसित होती है भाई, और केंद्र पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इसमें, कोशिका विभाजन भी होता है और इसमें लवक भी पाया जाता है। श्वसन तंत्र जो है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होता है। और ये कहाँ पाई जाती है भाई, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए स्लाइडेन बे स्वान नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि पेड़ पौधे तथा मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ उसे क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। ल्यूवेनहॉक क्या है भाई, इन्होंने क्या, जीवाणु विज्ञान का पिता भी इन्हें बोला जाता है, लेकिन इन्होंने जो कोशिका का आंतरिक अध्ययन किया अंदर से, ठीक है। मानव शरीर में 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, 5000 अरब, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कोशिका कितनी सूक्ष्म होगी, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की थी भाई, और जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसका जो नामकरण किया था वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था भाई। पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी, और उनके लिए इसके लिए मतलब इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और डी डुबे ने जो लाइसोसोम की खोज की, जिसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। जीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन जो किया, यानी प्रयोग जो किया, वो किसने किया भाई, सबसे पहले जॉनसन ने किया, और हक्स ने सबसे पहले इकोसिस्टम पारिस्थिति के शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों मैं मानता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। देखिए दो क्वेश्चन वो रहे छोटे छोटे, आप देख लीजिए, इससे संबंधित मैं बता दूं आपको। देखिए क्या है भाई, वो पूछ लेता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात आती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है भाई। सबसे बड़ी कोशिका क्या है भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा है भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा है, अंडा यानी ये पक्षी होता है भाई जो दो ढाई क्विंटल का हो जाता है, उसी का अंडा जो है वो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका की अगर बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है भाई, ये पाई जाती है फिलोरोन्यूमोनिया नामक वायरस में, नामक वायरस में भाई, ठीक है। ये वायरस है और इसमें जो है सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है इसमें, और इसमें जो है शुतुरमुर्ग जो है इसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो दोस्तों मैं मानता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बचेगा नहीं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।